A very good morning, children. Today we are going to look into a poem, On the Bridge by Kate Greenaway. Okay, so we will hear a little about Kate Greenaway, the writer. Kate Greenaway was an English children's book illustrator and writer. She was among the three most influential children's writers of her times. Okay, वो बच्चों के लिए वो poems को वो लिखती है और वो तीन जो बच्चों के writer है उनमें से वो एक है जो बहुत ही बच्चों के जीवन में कहानियों को पोयम को लिख करके इन्फ्लुएंस करती है, प्रभाव डालती है. ओके, सो नाउ वी विल रीड द पोयम फर्स्ट. पहले अब हम लोग पोयम को पढ़ेंगे. ओके, ऑन द ब्रिज. If I could see a little fish, that is what I just now wish. I want to see his great round eyes, always open in surprise. I wish a water rat would glide slowly to the other side, or a dancing spider sit on the yellow flax a bit. Okay, now we will understand this paragraph, these two paragraphs, the first two paragraphs. Okay, the poem On the Bridge illustrates some simple wishes of the poet as she stands on a bridge and sees the water below her. ये जो poem On the Bridge है वो कुछ साधारण सी इच्छाओं को जो poetess है उसका वो बताती है जब वो एक ब्रिज के ऊपर में खड़ी होकर के नीचे बहते हुए पानी को वो देखती है. और एंड वन ऑफ हर विशेस इज टू सी अ लिटिल फिश इन द वॉटर. शी वॉन्ट्स टू सी द फिश स्विमिंग विद इट्स राउंड आईज वाइड ओपन इन सरप्राइज. उसकी यह इच्छा है कि वो एक छोटी सी मछली को पानी में अपनी आंखों को अपने गोल गोल आंखों को खोल करके वो तैरते हुए देखे. ओके, एंड शी ऑल्सो वॉन्ट्स टू सी अ वॉटर रैट मूव स्लोली टू द अदर साइड ऑफ द वॉटर बॉडी और अ स्पाइडर प्रांसिंग अबाउट. वो यह भी वो उसकी इच्छा है कि वो एक वॉटर रैट को जो पानी में रहता है वो उसे वो पानी के एक तरफ से दूसरी तरफ वो जाते हुए वो देखे और एक स्पाइडर को वो इधर उधर फुदकते हुए वो देखे. ओके, नाउ वी विल रीड द नेक्स्ट टू पैराग्राफ्स. आई थिंक आई विल गेट सम स्टोन्स टू थ्रो and watch the pretty circles show, or shall we sail a flower boat and watch it slowly, slowly float? That's nice because you never know how far it away it means to go, and when tomorrow comes you see it may be in the great wide sea. Okay, so here she is also debating on whether she should get some stones to throw into the water and enjoy watching the ripples form, or if she should make a flower boat and set it sailing. यहाँ वो ये उसकी इच्छा है कि वो stones को पत्थर में फेंके. अगर आप पानी में जब आप पत्थर को फेंकते हो, आप लोग किए भी होंगे, तो क्या होता है पानी में एक गोल गोल सा क्या फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज रिपल्स. ठीक है,
तो वो चाहती है कि वो स्टोन्स को पानी में फेंके और इस तरह से वो रिपल्स जो है वो बने, ठीक है। और वो यह भी चाहती है, उसकी यह इच्छा है कि वो एक फ्लावर बोट, एक बोट जो फ्लावर से भरा हो, उसे वो उस पानी में वो चलाए। ओके, द पोएट फील्स दैट दिस वुड बी अ गुड थिंग टू डू बिकॉज इट कुड सेल फार एंड बी इन द बिग सी द नेक्स्ट डे। वो चाहती है कि ये बहुत ही अच्छी बात होगी जब वो जो फ्लावर बोट हो वो बह करके वो दूसरे दिन वो एक बड़े से सी में वो दिखाई दे। ओके, सो दिस इज द पोएम ऑन द ब्रिज। ओके, एंड यू हैव टू लर्न दिस पोएम बाय हार्ट। यू मस्ट हैव ऑलरेडी रिटन द पोएम एंड यू हैव ड्रॉन द पिक्चर आई होप इन योर कॉपीज। ओके, सो लर्न द पोएम बाय हार्ट। ओके, थैंक यू।